नमस्कार, मैं दिव्या धरातल, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी मनरेगा को विकास के लिए जरूरी बताया और कहा कि इस बार के केंद्रीय बजट में मनरेगा और किसान सम्मान निधि योजना की राशि में कटौती किया जाना ठीक नहीं है। भारत ने सिंधु जल संधि से जुड़े मुद्दे के समाधान के लिए मध्यस्थता अदालत पीठ और तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त करने संबंधी दो अलग प्रक्रियाएं शुरू करने के लिए विश्व बैंक के निर्णय पर सवाल उठाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि मैं नहीं समझता कि वे इस स्थिति में हैं और हमारे लिए संधि की व्याख्या कर सके। यह संधि दो देशों के बीच हुई है और इस संधि के बारे में हमारी समझ यह है कि इसमें श्रेणीबद्ध प्रावधान है। उन्होंने बताया कि भारत ने सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए 25 जनवरी को पाकिस्तान को नोटिस भेजा था। सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा आज अररिया पहुंची है, जहां उन्होंने विकास कार्य का जायजा लिया, साथ ही लोगों की समस्याएं भी सुनी। खरहट पंचायत के नारायणपुर गांव का विकास देखा और लोगों से वार्ता भी की। इस दौरान बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की तुलना शेर से कर दी और कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। गौतम अडानी समूह और हिंडनबर्ग विवाद की वजह से अडानी समूह के शेयरों में गिरावट का सिलसिला बृहस्पतिवार को भी जारी रहा। हालांकि निफ्टी और सेंसेक्स पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन जिन लोगों के पास अडानी समूह के शेयर थे उन्हें काफी नुकसान हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ प्रयागराज में ही अडानी समूह के शेयर में आई गिरावट की वजह से निवेशकों के तकरीबन 50 करोड़ रुपए डूब गए। उधर अडानी समूह की वजह से LIC के भी शेयर रेंगते नजर आ रहे हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। अलग अलग पार्टियों ने अपनी ओर से तैयारी शुरू भी कर दी है। यह चुनाव बिहार के लिए भी इस बार बेहद खास है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार चर्चा में है। विपक्ष का चेहरा कौन होगा इसको लेकर अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार विपक्षी एकता को एकजुट करने में बीते कई महीनों से लग चुके हैं। एक सर्वे में नतीजा आया है वह बेहद चौंकाने वाला है। देश में मोदी की सरकार तो बनती दिख रही है, लेकिन बिहार में बीजेपी को नुकसान दिख रहा है। अफगानिस्तान की सत्ता में काबिज तालिबान ने 2023-24 के लिए पेश भारत सरकार के बजट की तारीफ की है। तालिबान ने कहा है कि भारत सरकार ने अफगानिस्तान की सहायता के लिए जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है उससे दोनों देशों के संबंध बेहतर होंगे और एक दूसरे के प्रति भरोसा बढ़ेगा। बता दें कि बुधवार को संसद में बजट पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने अफगानिस्तान में विकास के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का घोषणा किया है। भागलपुर में संभावना जताई गई है कि यहां जल्दी हवाई सेवा शुरू होगी, लेकिन रनवे की लंबाई कम होने के कारण कोई बड़ी एयरलाइंस कंपनी यहां नहीं आई, जिसके कारण प्लान ठंडे बस्ते में चला गया। ऐसे में दो दिन पहले जब बजट में 50 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई तो एक बार फिर से जिले में एयरपोर्ट बनाने की मांग तेज हो गई। हालांकि अब निर्माण भागलपुर की जगह कहलगांव में निर्माण की मांग की जा रही है। इस संबंध में भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी VRS लेने वाले कर्मचारी सेवानिवृत्ति की उम्र पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होने वालों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते। शीर्ष न्यायालय की यह टिप्पणी बम्बई उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान आई। पॉपुलर सेफ इटन बर्नाथ ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक और अध्यक्ष बिल गेट्स के साथ रोटी बनाते नजर आ रहे हैं। बिल गेट्स जैसी हस्ती को रोटी बनाते हुए देखना यूजर्स के लिए काफी रोचक रहा। रोटी बनाने के लिए सेलिब्रिटी सेफ इटन बर्नाथ के साथ माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष बिल गेट्स भी जुड़ते हैं। वीडियो में सेफ बर्नाथ पहले बिल गेट्स को रोटी बनाना सिखाते नजर आते हैं। सेफ वीडियो में यह भी बताते कि हाल ही में अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने बिहार का भी दौरा किया, जहां उन्होंने ये रेसिपी सीखी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने 17 फरवरी को टेलीकॉम सर्विस को लेकर बैठक बुलाई है। इस बैठक में ट्राई कॉल ड्रॉप टेलीकॉम सर्विस और 5G के लिए बेंचमार्क और इसके वाणिज्यिक संचार के उपायों से संबंधित मुद्दों पर टेलीकॉम कंपनियों के साथ चर्चा करेगी। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फिलहाल टेलीकॉम सर्विस की गुणवत्ता में सुधार की काफी जरूरत है और कॉल ड्रॉप और खराब नेटवर्क से मोबाइल यूजर्स परेशान हैं। बता दें कि लगातार देश भर में अल्ट्रा हाई स्पीड 5G सर्विस को रोल आउट किया जा रहा है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई लॉर्ड जो जॉनसन ने अडानी ग्रुप की एक कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। दूसरी तरफ अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग केस पर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष संसद से सड़क पर हमलावर है। कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप की संपत्ति तेजी से कम हो रही है और उसके शेयरों के दाम काफी गिरते नजर आ रहे हैं। इसी बीच RBI ने भारतीय बैंकों से जानकारी मांगी कि उन्होंने अडानी ग्रुप को कितना लोन दे रखा है। BSF द्वारा गिराए गए ड्रोन को आज सुबह सीमा पर लगी बार और पाकिस्तान भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जीरो लाइन के बीच बरामद किया गया। BSF के एक प्रवक्ता ने बताया है कि क्वाड कॉप्टर के साथ संदिग्ध हेरोइन से भरा
3 किलोग्राम वजनी पैकेट बरामद किया गया है। रूस ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है। दिल्ली में मॉस्को के राजदूत डेनिस अली पोप ने विश्व मामलों की भारतीय परिषद और रूसी परिषद के बीच गुरुवार को हुई एक वार्ता के दौरान यह बात दोहराई है। उन्होंने कहा है कि हम यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता के लिए भी भारत का समर्थन करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी से केरल के कालीकट एयरपोर्ट आने वाले एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट के इंजन में आग लग गई, जिसके बाद विमान वापस अबू धाबी लौट गया और उसकी सुरक्षित लैंडिंग हो गई। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट ने अबू धाबी एयरपोर्ट से केरल के कालीकट एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी। फ्लाइट के इंजन वन में आग लगने के बाद विमान वापस अबू धाबी एयरपोर्ट के लिए लौट गया है। बताया जा रहा है कि उड़ान भरने से पहले पायलट ने इस खराबी को नोटिस नहीं किया था। शक्तिशाली रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर ने बाइडेन प्रशासन से आग्रह किया है कि वह अपने गेहूं और चावल उगाने वाले किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में भारत सरकार से बात करें। उन्होंने दावा किया है कि यह विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के खिलाफ है। अरकानसस के सीनेटर जॉब बुचमैन ने कृषि पोषण और वानिकी पर सीनेट समिति द्वारा आयोजित 2023 फार्म बिल पर कांग्रेस की सुनवाई के दौरान कहा कि पूरे देश में चावल और गेहूं में किसान भारत के खुले विश्व व्यापार संगठन के उल्लंघन से गंभीर रूप से प्रभावित है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में हाल के दिनों में भारतीयों पर हुए हमले की घटनाओं की बृहस्पतिवार को कड़ी निंदा की और उससे अपनी भूमि का इस्तेमाल ऐसी गतिविधियों के लिए नहीं करने देने का आग्रह किया है जो उसकी क्षेत्रीय अखंडता, सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हो। कॉलिजियम को लेकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के बीच जारी बहस के बीच सरकार की ओर से यह बात साफ कर दिया गया कि न्यायाधीशों की सिफारिश करने का अंतिम निर्णय कॉलिजियम के पास ही रहेगा। सरकार ने कल गुरुवार को संसद को अपने जवाब में बताया कि उसने भारत के मुख्य न्यायाधीश को जो खोज और चयन समिति सुझाई है वह केवल सुविधाकर्ता के रूप में काम करेगी। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को राज्यसभा में बैठने की सीट को लेकर बदलाव किया गया है। राज्यसभा में अब चिदम्बरम की बैठने की व्यवस्था में नया फेरबदल करके उन्हें फ्रंट रो में एक सीट आवंटित की गई है। जानकारी के मुताबिक संसद के कुछ वरिष्ठ सदस्यों, पूर्व प्रधानमंत्री और संसदीय दलों के योग्य नेताओं को फ्रंट रो की सीटें आवंटित की जाती हैं। हाल के दिनों में जब चीन और पाकिस्तान से तनाव बढ़ने की खबरें आई थी तब सेना को आधुनिक बनाना एक जरूरी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ संजीव कुमार बरुआ ने 22 जनवरी को द वीक में छपे एक लेख में कहा कि भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की जरूरत की सबसे बड़ी वजह चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है। पिछले कुछ समय से जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। सरकार का कहना है कि वह अलग अलग पृष्ठभूमि वाले जजों की नियुक्ति करना चाहती है ताकि सभी को जज के तौर पर नौकरी पाने का बराबर मौका मिले। सरकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से उन समूहों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने के लिए कह रही है जिनका न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व कम है, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ साथ महिलाओं और अल्पसंख्यकों समूह के लोग। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अहमद आबिदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री डिजूजे के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ और केंद्रीय मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया है, ऐसे में दोनों को आधिकारिक तौर पर बर्खास्त किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में जांच की धीमी रफ्तार से हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने सीबीआई को सख्त लहजों में 7 दिन के अंदर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह प्रधानमंत्री से शिकायत कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मामले में काम कर रहे अधिकारियों की संपत्तियों की जाँच के भी आदेश देंगे। रामनगरी अयोध्या को लेकर लोगों में जमकर उत्साह देखा जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हाल ही में खबर मिली है कि अयोध्या में निर्माणाधीन राम जन्मभूमि परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि अयोध्या में एक व्यक्ति के पास किसी ने फोन कर निर्माणाधीन राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून बनाना संसद की संप्रभुता है, हम इसमें दखल नहीं देंगे। इस टिप्पणी के साथ शीर्ष अदालत ने एक उम्मीदवार को 2 विधानसभा या संसदीय क्षेत्र से एक साथ चुनाव लड़ने से रोकने की मांग पर विचार करने से इनकार कर दिया है। मद्रास उच्च न्यायालय विधिज्ञ संघ के एक तबके ने वकील लक्ष्मणा चंद्र विक्टोरिया गौरी को मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने की उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश का विरोध किया है और उनका नाम वापस लेने की मांग की है। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच में भारत की एक सहायक सॉलिसिटर जनरल गौरी पर ईसाई और मुसलमानों के खिलाफ घृणित भाषण और आक्रामक विचारों का आरोप लगाते हुए वकीलों ने कॉलेजियम की सिफारिश पर चिंता और निराशा की भावना जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 से अब तक 21 बार विदेश यात्राएं की, इन पर 22.76 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन
ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने इस अवधि में 3 बार जापान और 2 बार अमेरिका व यूएई की यात्राएं की है। यूनियन बजट 2023 की केंद्र सरकार से जुड़े नेता जमकर तारीफ कर रहे हैं, जबकि विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं। गुरुवार को बजट 2023 को लेकर मीडिया ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का इंटरव्यू लिया। इस दौरान निर्मला सीतारमन ने कहा कि जब वह और उनकी टीम लोकसभा चुनाव से पहले पूरे साल का बजट तैयार करने के लिए बैठी तो पहले दिन से उनका मेन फोकस विकास पर था। अखंड भारत का सपना जरूर पूरा होगा, ये कहना है मुस्लिम समाज के ऑल इंडिया चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी का। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के तट पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जन्म शताब्दी समारोह में उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि एक अखंड भारत को बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये बनेगा और इसके अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में 4 चांद लग गया है। वह भारत के पहले ऐसे नेता हैं जिनकी ग्लोबल लेवल पर इतनी धूम है। खास बात यह है कि पीएम मोदी ने दुनिया के 22 देशों के दिग्गजों को पछाड़कर पहली रैंक हासिल की है। पीएम मोदी की ग्लोबल लेवल पर अप्रूवल रेटिंग 78% है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि सितंबर 2021 के बाद पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली जा रही है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुमारी संजना, नुन्नू, गोलू कुमार, अनवर करीम खान, महमूद अंसारी, एमडी शाकिर हुसैन, रवि शंकर, अर्जुन राम, एमडी नौशाद रजा, अशरफी मंडल, कुसरेंद्र कुमार सिन्हा, नीतीश कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अब तक के पसंदीदा प्रधानमंत्री कौन है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।